कांग्रेचुलेशन टू ऑस्ट्रेलिया, एक और आईसीसी ट्रॉफी, लानत बड़ी लानत है भाई, बहुत बड़ी लानत है इस तरह से आप आगे आ रहे हो क्रिश्चियंस के साथ। क्या आपको सिर्फ मौसम के साथ यूज्ड होना है, क्या आपको सिर्फ आबो हवा के साथ यूज्ड होना है, या फिर आप क्रिकेट के लिहाज से यूज्ड होना चाहते हैं? मतलब आप चाहते हैं कि इन कंडीशन में यार थोड़ा और बैटिंग कर लेते, थोड़ा और बॉलिंग। पहले दिन जब मैच के बाद हमने कहा था जी आईपीएल के शेयर डब्ल्यूटीसी में ढेर, तो बहुत सारे लोगों को एतराज था कि यार ऐसा क्यों कहा जा रहा है। लेकिन एक बार फिर टीम इंडिया की जिस तरह से हार हुई है, जिस बुरी तरह से पिटे हुए हैं, उसके बाद ये सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या नाम बड़े दर्शन छोटे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है, खैरियत है जी? आप लोग तो वाकई बहुत खुश होंगे, जिस तरह कल ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया की दुर्गत बना डाली, इतना कूटा, इतना कुछ जलील किया, बेचारों को रुला रुला के मार दिया। लेकिन उनका कसूर नहीं है, उनके पास बॉलिंग है ही नहीं, तो सिर्फ बैटिंग ही है, और वो भी थोड़ी बहुत है, जो कभी चल गई तो चल गई, ना चली तो ना चली। और इनका रिएक्शन देखने वाला होता है हमेशा, इंडियन मीडिया का रिएक्शन हमेशा, आप जितने भी चाहे डिप्रेस हो, इंडियन मीडिया का रिएक्शन देखेंगे आपकी हंसी निकल जाएगी। तो मैं चाहता हूं कि आपकी डिप्रेशन दूर हो जाए और आप ये रिएक्शन देखें उनका, और आपकी ताकि हंसी निकले, आप खुश रहें। अच्छा, हमेशा की तरह मैच से पहले वो कुछ और ही बातें कर रहे होते हैं, हवाओं में, ख्यालों की दुनिया में, फैंटेसी वर्ल्ड में जी रहे होते हैं कि हम तो जी ऐसा कर देंगे तो वैसा कर देंगे, और मैच हारने के बाद फिर वही रोतलू शक्ल लेके बैठ जाएंगे कि भाई ये हो गया, वो हो गया, मैं नहीं खेल रहा। तीन तीन मैचेस होने चाहिए थे और तब जाके हो सकता है हम जीत जाते, या फिर वेदर ऐसा होता वैसा होता। अरे भाई, तेरी मर्जी से होगा क्या? जिस तरह इंडिया वर्सेज पाकिस्तान के मैचेस में सिर्फ ये लोग वर्ल्ड कप के मैचेस गिनते हैं, जबकि ओवरऑल मैचेस अगर ये लोग देखें पाकिस्तान वर्सेज इंडिया के हेड टू हेड, तो इनको बुरी तरह शिकस्त हुई हुई है। तो ये बोलते हैं नहीं, हम वो नहीं गिनेंगे, हम सिर्फ वही गिनेंगे जिसमें हम जीते हैं, हम 12-13 मैचेस गिनेंगे। और जबकि 88 मैचेस में लोग हारे हैं, खुद की विक्ट्री को 72 के आसपास है, तो हमारा इनका कोई मुकाबला ही नहीं है किसी भी सेंस में। तो अभी इनका रिएक्शन देखें, आपकी भी हंसी निकल जाएगी मैच से पहले और मैच के बाद। कांग्रेचुलेशन टू ऑस्ट्रेलिया, एक और आईसीसी ट्रॉफी, लानत बड़ी लानत है भाई, बहुत बड़ी लानत है इस तरह से आप आगे आ रहे हो। ये है रोहित शर्मा की दूरदृष्टि, ये है राहुल द्रविड़ द ग्रेट कोच द लेजेंड। आप लोग साउथ अफ्रीका को पीछे छोड़ चुके हो ऑलमोस्ट चौकिंग के चक्कर में भाई। पहले दिन जब मैच के बाद हमने कहा था जी आईपीएल के शेयर डब्ल्यूटीसी में ढेर, तो बहुत सारे लोगों को एतराज था कि यार ऐसा क्यों कहा जा रहा है। लेकिन एक बार फिर टीम इंडिया की जिस तरह से हार हुई है, जिस बुरी तरह से पिटे हुए हैं, उसके बाद यह सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या नाम बड़े दर्शन छोटे। आपके पास रिकॉर्ड्स के नाम पर भरमार है, लेकिन पिछले डब्ल्यूटीसी में भी हमारे किसी एक बल्लेबाज ने अर्धशतक नहीं लगाया था, और इस डब्ल्यूटीसी में भी अगर रहाणे को हटा दें तो कोई भी एक बल्लेबाज अर्धशतक नहीं मार पाया। मेरे भाई चांसेस है और ये है और वो है, बकवास करवा लो लेते हैं। जिस दिन बुरी बात, जिस दिन आपको जरूरत होती है कि आज बैटिंग करो, आप बॉलिंग करो, आज उसी तक की हवा निकल जाती है। डिसीजन ही आज था 280 बनाने थे, ऑस्ट्रेलिया भी प्लान से आया होगा, तुम भी प्लान से आए होगे, क्या तुमने प्लान एक्सिक्यूट करा मेरे भाई? विराट कोहली जी हमारे सबसे बड़े प्लेयर, इतनी बड़ी बड़ी बॉल चेस कर रहे हो, सारे के सारे बैटर, चलो विराट कोहली आउट हो गया भाई, जडेजा तूने पहले दिन अच्छा खेला था, वो भी जीरो पे, शार्दुल जीरो पे चला गया, शार्दुल जीरो पे चला गया, अजिंक्य रहाणे आउट हो गए, केएस वराद आउट हो गए, अबे क्या हबे तड़पाने के लिए खेलते हो क्या तुम लोग? एक भी बैटर नहीं चला भाई साहब दूसरे इनिंग में, एक विकेट नहीं आया। पूरा मैच देख लो, अगर टीम इंडिया डिजर्व करती हो ना आईसीसी खेलना, पिछले वाला पूरा पलट दीजिए पहले, अगर टीम इंडिया डिजर्व करती है, बल्कि हमें पिटीशन लिखना चाहिए यहाँ पर कि अगर ऐसा खेलना है भाई मत खेलो। 50 नहीं लगी है पूरे मैच में, इस इनिंग्स में भाई तो पॉइंट है। अरे टॉप फोर दे, मैं पहले बोल रहा हूँ आपके टॉप फोर, आपके पुजारा सब शुरू कर लो, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, दोनों इनिंग में किसी ने 150 नहीं मारा, इन चारों ने क्या मैच तुम घंटा जीतोगे। टॉप फोर तुम्हारे, जहां उनके टॉप फोर में से स्टीव स्मिथ है वो सेंचुरी मार गया, लवू शेन 40-50 कर गया, यहाँ पर तुम्हारा स्टीव स्मिथ मार गया सेंचुरी, एलेक्स कैरी दोनों ही नहीं, एलेक्स कैरी ने मार दी दोनों इनिंग में, एक में 48 मार दिया, एक में डॉट आउट गया, वो फर्स्ट इनिंग में वार्नर ने भी बनाए थे रन, वार्नर भी रन बना गया। आपके यहाँ से टॉप फोर ने दोनों इनिंग मिला के 150 नहीं लगा पाया कोई, हाईएस्ट से विराट कोहली 49। और सवाल भी मत पूछिए आप, क्योंकि फैंस आपको पलट कर गालियां देंगे, कहेंगे ना हमने तो आईपीएल में अच्छा किया था, हमारे वाले ने 2 शतक मारे थे, हमारे वाले ने 5 ट्रॉफियां जीत ली हैं, हमारा वाला तो बैक टू बैक शतक मार रहा था भाई। साउथ अफ्रीका तो चलो कुछ भी कर देती है, किसी भी फालतू की टीम से हार जाती है, तुम लोग तो सेमीफाइनल फाइनल आ गए तो गारंटी है कि हारोगे ही हारोगे। तो ये देखा आपने नाज़रीन, ये किस तरह बेचारे बोंगियां मारने वाले और मैच से पहले किस तरह उछल रहे थे हवाओं में, और मैच के बाद इनका क्या हशर हुआ है। तो ये देखने वाला रिएक्शन था, मैंने सोचा आपसे भी शेयर कर दूँ। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।